आज के सूट आप लोगों को बताने वाले हैं सीआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कितने डायगोनल्स एक डायग्राम में यहाँ पे पॉसिबल है। जैसे कोई एक शेप है तो उसमें कितने डायगोनल्स पॉसिबल है, वो डायगोनल आउटर भी हो सकते हैं और इनर भी हो सकते हैं। ए पार्ट में क्या है, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जितने भी डायग्राम बने वो क्या बने, वो इनर बने, यानी कि वो इंटीरियर में बने, एक्सटीरियर में ना बने। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल वाला जिनकी चार साइड्स हो तो हम स्क्वायर ले सकते हैं या फिर रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया स्क्वायर। अब हम इसके अगर डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो एक दो, इसके कितने डायगोनल्स है, सिर्फ दो डायगोनल्स है, इससे ज्यादा इसके डायगोनल पॉसिबल नहीं हो सकते। अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेंगे और अगर वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसमें सिर्फ दो ही डायगोनल पॉसिबल है, आप कोई भी लेकर के देख सकते हैं। तो ये पार्ट का आंसर होगा 2। बी में क्या है, बी में है और रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब ऐसी शेप जिसकी सिक्स साइड्स हो। बस जब रेगुलर लग जाता है उसका मतलब होता है हेक्सागन जिसमें सिक्स साइड्स हो, लेकिन वो सिक्स साइड्स से यानी क्या हो, इक्वल हो। तो जब यहाँ पे आप बनाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6। अब अगर हम इसके डायगोनल्स काउंट करें तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 हुए। अब हम एक इसको भी अटैच कर सकते हैं तो ये 6 हो गया। एक इसको कर सकते हैं ये आपका 7 हो जाएगा। एक हम इसको कर सकते हैं ये आपका 8 हो जाएगा। और एक हम इसको कर सकते हैं जो कि 9 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप यहाँ पे समझना चाहें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 देन 6, 7, 8, 9 कितने पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बी में 9। सी में अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या है, अ ट्राइंगल। तो अगर हम एक ट्राइंगल को देखें तो क्या होता है, डायगोनल्स का मतलब कि किन्हीं भी दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करिए तो इसके तीन कॉर्नर्स होते हैं। अगर आप इन तीनों कॉर्नर्स किसी भी एक कॉर्नर को अगर आप करेंगे ऐसे अगर मीट करेंगे तो क्या करेंगे, उस साइड के ऊपर आपके ओवरलैप कर जाएंगे, जिस वजह से इसमें एक भी डायगोनल पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको इसको ज्वाइन करना चाहें नॉट पॉसिबल, इसको इसको करना चाहें नॉट पॉसिबल, इसको इसको करना चाहें तो नॉट पॉसिबल, कोई भी यहाँ पर डायगोनल पॉसिबल नहीं है। इसके सी में हमारा हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे से दोस्तों की तरफ से जय हिंद जय भारत।